Hello students, welcome to this particular important video announcement. Students, यहाँ पे आज रात से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सेशन. ये पर्टिकुलर वीडियो तो आरटीपी एक एनालिसिस स्टूडेंट्स मुझे आपसे करनी है, मई 21 की. क्विकली एक आरटीपी एनालिसिस करूँगा, लेकिन उसके पहले एक जल्दी से बता दूँ कि आज रात को एक T20 टारगेट 20 का एक सेशन मैं कंडक्ट करने वाला हूँ इंडियन अकेडमी. और इस टारगेट 20 वाले इस पीरियड में 9:15 PM का ये केस है स्टूडेंट्स. इसके अंदर अमेंडमेंट्स एंड द केस लॉस. अमेंडमेंट्स ये स्टूडेंट जो लेक्चर्स हैं ये हिंदी में होंगे, क्योंकि इसका एक वर्जन इंग्लिश में पहले हो चुका है, तो इस वजह से ये एक हिंदी में अमेंडमेंट्स लेक्चर्स करेंगे. क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए लास्ट अटेम्प्ट में, दे वेर इनफैक्ट टेलिंग मी कि सर अमेंडमेंट सीरीज आप प्लीज़ करवा दें ताकि हम लोग क्विकली वो अमेंडमेंट्स कर लें. तो स्टूडेंट्स से लाइव अमेंडमेंट होगा, आज रात से चालू होगा ये कार्यक्रम. आपको 4 दिन का अमेंडमेंट लेक्चर्स है और 2 दिन के केस लॉज लेक्चर है. 2 डेज इसके अंदर आपको अपने मई अटेम्प्ट के लिए जो केस लॉज करने हैं वो सब अल्टीमेटली इसके अंदर है. 70 केस लॉज हम वो 2 क्लास में करने वाले हैं. PDF नोट्स भी आपको होगी, बहुत ब्रीफली एक समरी आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स विद द लेक्चर्स ऑफ दो 74 केस लॉज. और आपको जैसे पता है कि स्टूडेंट्स को ये केस लॉस काफ़ी दिक्कत देता है, तो इसी वजह से ये केस लॉस उनके लिए करवाया जा रहा है. ये लेक्चर मेरी इंग्लिश में पहले से पढ़ी थी, अब मैं उसको हिंदी में ये चीज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई विल बी डूइंग इट राइट नाउ. तो ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट है स्टूडेंट्स, ये आज रात से चालू हो रहा है. दैट इज़ फ्रॉम 25th नाइट, 4 डेज 4 नाइट्स ये कंटिन्यूस होगा फॉर अमेंडमेंट. और उसके बाद 2 हमारा होगा दी केस लॉ सेशंस. ओके, सो दैट इज उसका टाइम टेबल. उसका जो लिंक है स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अन अकेडमी चैनल में इस पर्टिकुलर सीरीज का. तो ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्टिव उसमें चैनल दे दूंगा, ठीक है. नोट्स अमेंडमेंट पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको दिलवाई जाएंगी, तो आपको नोट्स की जरूरत चिंता नहीं करनी है. केस लॉस की भी आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में दिलवा दी जाएगी, सो दोज वुड बी गिवन टू ऑल ऑफ यू. अब एक आरटीपी वाली पर्टिकुलर सेशन स्टूडेंट्स जो कि एनालिसिस यहाँ पे करना है. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर ये आरटीपी इस बार का जो है उसका कवरेज क्या हुआ है. तो स्टूडेंट्स ये आरटीपी जो अगर आप देखो, तो आपको मैंने पहले से भी कहा था कि आपको मैं सारे इंस्टीट्यूट के सारे मटेरियल्स तो मैंने सारे कवर कर रखे हैं स्टूडेंट्स. अगर आप नोटिस करो स्टूडेंट्स हमारे 2 जो एक तरीके से 9 MTPs हैं स्टूडेंट्स. अब मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा, आप लोग ध्यान में रखना, 9 MTPs प्लस 7 additional MCQs वाले जो हमने ये रखा हुआ. MTPs का भी एक लास्ट MTP रह गया है जो अगले हफ्ते लास्ट एक MTP होगा. 9 MTPs होके ये कंप्लीट हो जाएगा MTP की पूरी सीरीज. अभी ये एक लास्ट MTP 8 MTP ये सैटरडे को रिलीज हो जाएगा और फिर फाइनली 9th MTP दो ग्रैंड MTP होगा उसमें. स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है कि जो RTP के क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं उसको भी मैंने क्या है MTP के अंदर मैंने उसको कंसिडर कर रखा है. अब इसमें स्टूडेंट्स पॉइंट क्या होगा कि ऑल दीज MTPs हैज बीन कवर्ड. अब ये मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, मैंने आपको एक चीज़ बता दी स्टूडेंट्स, आपको ICAI के कोई भी मटेरियल अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट वैसे ही लोड बहुत ज़्यादा होगा. मैंने तो ये अब कहा है सारे स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली पास नहीं भी कर पाए उनके लिए भी. देखिए स्टूडेंट कोई भी आप अब नए मटेरियल्स ना लें, आप लोग अमेंडमेंट या जो भी पहली बार भी तैयारी करते होंगे, अब लास्ट के जो 2 महीने रह गए आपके पास. देखो अमेंडमेंट्स तो आपको अच्छे से करना ही है, वो तो पक्की बात है. प्लस आपने केस लॉस तो लगभग वही है. ये जो 2 है ना, ये चीज़ अगर आप इतना भी अगर आखिरी के 2 महीने में करोगे और जो पुराना जो आपने क्वेश्चन जो पहले मार्क किया होगा, पुराना जो क्वेश्चन आपने जो पहले मार्क किया होगा उतने तक भी अगर सीमित रहोगे ना, काफ़ी है स्टूडेंट, सब चीज़ कवर हो जाएगा आपका. तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपने पिछले टॉपिक में से किया होगा. प्लस ये 2 चीज़ें आपको देखनी है, आपको और कोई भी सोर्स आपको नहीं देखना है. यू डोंट हैव टू लुक इनटू ऑल द सोर्सेज स्टूडेंट्स. ये अगर आप देखोगे आरटीपी के मैंने क्या किए हैं क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, आई हैव गिवन द आरटीपी क्वेश्चंस नंबर. और ये चीज़ को जो है वो मैंने अपने MTPs में जो कवरेज है वो कवर कर दिया है. क्रक्स स्टूडेंट्स इसका यही है दैट वी हैव essentially have covered everything which is there as far as the MTPs are concerned, as far as your RTPs are concerned in our 9 MTPs and 7 additional MCQ. Students, मैं अभी भी आपको कहूँगा एक चीज़ ध्यान रखना,
ऑल दिस रैंक होल्डर्स इस बार ऑल इंडिया वन, ऑल इंडिया सेकेंड, ऑल इंडिया थर्ड प्राइमरी, इन्होंने सब ने हमारे एम टी पी ये सब चीज़ को रेफर किया था। इनफैक्ट दे हैव ऑलरेडी हैव कमेंटेड ऑन दिस वन। मैं भी चाहूँगा कि आप भी इसका बेनिफिट जरूर लें। सिर्फ स्टूडेंट्स इसके एम टी पी के तो पी डी एफ फॉर्म में तो हमारा, अगर टेलीग्राम चैनल पर आप बोलोगे सर कहाँ मिलेगा ये, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगा सी ए दुर्गेश सिंह, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा सी ए दुर्गेश सिंह में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये 2 दिन या 3 दिन पहले ही पोस्ट में मैंने डाला हुआ है, अभी तो मैंने आपको एडिशनल एम सी क्यू डाल दिया है, जो 7 एडिशनल एम सी क्यू है वो मैंने डाल दिया है। पॉइंट क्या है मालूम है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ ये जरूरी नहीं है इसका सोल्यूशन क्या है, वॉट एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन क्या है। सब लोग को एक बोलते हैं ना कि अंधाधुन पागलपन से सवार छा जाता है कि सोल्यूशन क्या है, हमने सोल्यूशन पे फोकस नहीं किया, हमने हाउ टू गेट द सोल्यूशन उस पर अल्टीमेटली फोकस किया है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू गेट द सोल्यूशन, उस पर स्टूडेंट्स फोकस की गई है। और आप प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये आप देख लो, दो दो वीडियो बस देख लो, आपको खुद पता चलेगा कि कितना ही लाभ आपको मिलने वाला है। आपका आईसीआई के सारे कवरेज हो जाएंगे, जो भी आईसीआई के एमटीपीज आरटीपीज कवर है वो सब चीज़ कवर हो जाएगी, और साथ साथ में प्राइमरी आपका होगा ना, कुछ चीज़ छूटा नहीं है। और ये चीज़ एग्जामिनेशन में प्रबल दावेदारी रखने वाला है, पक्की बात है। तो उससे क्या होगा, आपको ज़बरदस्त की बेनिफिट मिलेगी स्टूडेंट्स, वो मैं बता रहा हूँ। मतलब हो ना हो इतना भी कर लो ना तो 20 नंबर तो आपको बन जाएगा, उतना तो मुझे प्राइमरी इतना अश्योरेंस है कि इतना मेहनत करने किया है तो 20 नंबर तो आपको बनना ही है प्राइमरी इसमें से। तो प्लीज़ आप लोग देख लें, आप लोग बता रहा हूँ इसके लिंक, आप बोलोगे सर कहाँ पर अगर लेक्चर देखना होगा इसके तो लिंक कहाँ पर होगा, लिंक आपको स्टूडेंट्स मैंने वो पीडीएफ फाइल में दे रखी है, टेलीग्राम चैनल में चले जाओ सी ए दुर्गेश सिंह और वहाँ पर लिंक मैंने दे रखी है, आप लोग जरूर से देख लेना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बस आज चालू करते हैं, आज रात को होगा अनाउंस, आज रात को हमारा स्टार्ट होने वाला है द मोस्ट अवेटेड द आरटीपी एंड एमटीपी सेशन, तो सॉरी मोस्ट ये अवेटेड द अमेंडमेंट एंड द केस लॉ सेशन 9:15 को प्राइमरी, आज की सेशन चालू हो रही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आपको पूरी जानकारी वहाँ पर स्टूडेंट्स मिल जाएगी, ठीक है। सी यू देन इन दिस रिगार्ड स्टूडेंट्स, आपको ये पीडीएफ फाइल भी अगर चाहिए होगा इस आरटीपी एनालिसिस की मैं आपको दे दूंगा, वैसे जरूरत नहीं होगा क्योंकि ये वैसे ही पहुंच जाएगा आपके, मतलब बताने का मौजूद था कि सारे स्टूडेंट्स बोले थे कि आरटीपी भी, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था कि क्या सर हमें आरटीपी अलग से अब करनी है, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करनी है क्योंकि प्राइमरी ये चीज़ आ चुका है, अब इंडिविजुअली हर एक लोग को रिप्लाई करने में हालत ख़राब हो जाती है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ। मैंने तसल्ली के लिए बोल दिया कि भाई मैंने जो कमिटमेंट आपको ये बोला था कि पहले आप लोग को एडिशनली कुछ नहीं करना है ICI के मटेरियल, वो मैं कवर करके चलूंगा अपने 9 MTP और 7 एडिशनल MCQ में, तो सब कवरेज सब चीज़ है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आज रात को 9:15 हिंदी में होगी अमेंडमेंट क्लास, और उसको फॉलो करेगा बाद में आपका केस लॉ सेशन, सी यू देयर, और लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक यू।